इन्फेक्शन बढ़ रहा है और साथ ही पीपी भी लो है इनका। हॉस्पिटल से आपको नहीं आना चाहिए था। मेरे साथ आप मेरे हॉस्पिटल चलिए, वहाँ आपका इलाज सही होगा। अस्पताल नहीं जाना है मुझे। बात समझने की कोशिश करें, इस तरह आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब चले नीचे चलकर चाय पीते हैं। आ जाए। जोहरा, तुमने सुन लिया ना क्या कहा उन्होंने? एडमिट होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पैसे हैं क्या आपके पास? हमने खुद सुना कहते हुए। हॉस्पिटल वालों से क्या अभी पे नहीं कर सकता, अब कहाँ से लाओगे? हो जाएगा कुछ ना कुछ। क्या हो जाएगा? रुवाइदा, बस कर दो, तुम उसकी हालत नहीं देख रही। ये वक्त इन बातों को करने का नहीं है। क्या चाहते हो, हम इस हालत में छोड़ दें इसको? सहित अब बस। जोहरा बात सुनो। नहीं सईद, अस्पताल नहीं जाऊंगी मैं। सब पता है मुझे, कुछ मत कहना। बचे हुए, इतना खर्चा किया मैंने, फिर भी बचे हुए अब तक। हाय, हाय, सच कहते हैं असली हीरे की बात ही कुछ और होती है। खूबसूरत लग रहे हैं ये मुझ पर। चलो दूसरा पहनती हूँ। ब्रांडेड चीजें पहनकर इंसान खुद भी कितना कीमती हो जाता है। कितनी खूबसूरत लग रही हूं मैं तो हूं ही प्यारी। हमसा हो तो सामने आए। हाँ।
क्या कर रही थी? इतनी देर से बैल बजा रहा हूँ। मैं बाथरूम में थी। क्या आफत आ गई थी, धन 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 बजा रहे थे। क्या कुछ हो गया? हाँ हाँ, बड़ी हंसी आई। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें काम पे नहीं होना चाहिए था। जॉब खत्म करने। क्या? कैसे खत्म, क्या हुआ? उन्होंने कोई नया ड्राइवर रख लिया, इसीलिए निकाल दिया। और क्या क्या होगा तुम्हारे उस लाड़ने की वजह से हमारे साथ? हाँ, पहले हमारी गाड़ी चली गई और अब ये। दरअसल मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और ये सब नहीं करो। झूठ बोल रही हूँ क्या? वो आराम से हमारी गाड़ी लेके चला गया, एक बार सोचा भी नहीं हमारे बारे में। बेटा होके कुछ देने के बजाय उस लड़के ने जो था सब लेके चला गया। ना पैसा है ना नौकरी, अब क्या करोगे? आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये सारी दवाएं आप उन्हें जल्दी शुरू करवा दीजिए, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कितने दूं मैं? 5,000 रुपये। सही, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, देखता हूँ मैं। शुक्रिया। ठीक है, ये ले, जल्दी बेहतर हो जाएंगे। शुक्रिया आपका, मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। खुदा हाफिज। रुबैदा, वो सफा मुझे देना जो तुम छुपा रही हो। कराकिया को तुमने कॉल की थी, पता है? क्या कह रही हो तुम, ये सच नहीं। रोहिदा, चुप कर जाओ, उम्मीद सुन लेंगे। देखो, हमने पहले भी बात की थी, मत करो, अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। तुम्हारा भाई बिल्कुल खत्म हो गया है रोहिदा। चलो दे दो मुझे। नफरत करती हूं मैं तुमसे रोहिदा, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुम फिर से अपनी गलती मत दोहराओ। भाई को ना पता चले कुछ भी, ठीक है ना? समझ आ रही है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जोहरा? आंटी। तुम क्यों उठी बेटा? तुम्हें अभी बस लेटना चाहिए, आराम से। तुम्हें तो अभी भी बुखार है, ठंडा पानी लाती हूँ मैं। अली, बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। वहाँ क्या हो रहा था? जाकिर और दादा तुम पर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या मसला था? कुछ नहीं अम्मी, होता रहता है ये सब, आप इतना मत सोचा करें। मैं हूं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया अम्मी।
कैसी है तबीयत? बुखार तो है भी इसे। ये लें दवाई लेके आया हूँ, दवाई दें इसे। ठीक है। सोने से पहले भी देनी है। समझ गई। पानी पकड़ाना बेटा। चलो ये पी लो। सोच रहा हूँ आखिर उन्हें कैसे पता चला जोहरा का। क्या पता उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया हो हमें। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा क्या होगा? आपने कहा था कि रेंट हाउस ढूंढेंगे। हम आखिर वहां कब जाएंगे ये बताएं मुझे। कब मिलेगा हमें यहां से छुटकारा? अभी हम लोग किराए पर घर नहीं ले सकते। क्यों नहीं? क्या है जैसे तुम तो कुछ जानती नहीं? क्या तुम नहीं जानती हो? क्योंकि पैसे तो जोहरा पे खर्च हो गए ना, और अभी फिर से हॉस्पिटल ले जाना है इसे। हमारी तो कोई फिक्र नहीं है ना आपको भाई। चुप करो बस। जो होता है हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। सुना, मैं खुद सुबह जाके कोई सस्ता घर देखता हूँ। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन जब तक जिंदा हूं तुम लोगों को बेआसरा नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? रोवैदा आया समझ में कुछ? रो नहीं बेटा, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ मेरी बच्ची। अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि इस जगह को आप बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए लाया। आजकल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। मैं तो ये समझ रहा था कि आप इस जगह आकर बहुत खुश होंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। तुम तो खुशी की बात ही ना करो। अगर तुम मुझे अहमियत देते तो आज मैं इस हाल में ना होता। गुस्सा छोड़ दें बाबा, मैंने अली को भी यहाँ पे बुलवाया। साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, आपसे बातें करेंगे। मैं जानता हूं आपको अच्छा लगेगा, आपका दिल बहल जाएगा। वो आ गया आपका पोता। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। खुशी हुई। बैठे अम्मी। तुम्हारी माँ इतनी बीमार थी, उसे क्यों ले आया? आज कुछ बेहतर है इसलिए मैं ले आया। अच्छा ठीक है, अब खड़े कब तक रहोगे? बैठ जाओ।
आज की ये खास दावत सिर्फ आपके लिए की है बाबा, आपको अच्छा लगेगा। बात मत घुमाओ। क्या बात है, तुम्हारी बीमारी कुछ लंबी नहीं हो गई? क्या हुआ है तुम्हें, क्या परेशानी है जो आज इतने अच्छे माहौल में भी इस तरह मुंह बनाकर बैठी हुई हो? मेरी बात सुनाई दे रही है तुम्हें? और अगर सुन रही हो तो जवाब क्यों नहीं दे रही? बहुत बुरा किया, अम्मी को खुफिया जगह पर बंद किया गया था। खुफिया जगह पर बंद? किसने बंद किया तुम्हें वहां? वैसे तुम्हें फरार करवाना आता है, फरार होना नहीं? दरवाजा सामने ही था और चाबी भी दीवार पर मौजूद थी। चलो कम से कम तुमने अपनी जुबान तो खोली। वैसे ये बताओ कि तुम्हें उस जगह पे बंद किसने किया? मुझसे मत पूछो, बाबा से पूछो। सजा देने के लिए मैंने इसे बंद किया था। सजा देने के लिए, वो भी इसे? हाँ। सजा देने बस करते हैं बाबा। तुम चुप रहो, वो भी शर्मा को। इसको बाहर क्यों आने दिया? इसको वही, इसको वही रहने देते। बहुत हो गया बाबा, बंद करें हंसना। तो फिर बाहर कैसे आई वहां से? इसके पास डुप्लीकेट चाबी थी, लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी ने इसे बाहर निकालने में मदद की। वाकई वहां से बाहर निकलने में मदद की है किसी ने? जी हाँ, किसी करीबी ने। वाह, अब तुम मुझे सच बताओगी कि किसने मदद की तुम्हारी? हाँ शर्मा, आपकी मां ने। खाना तैयार है सर। दफा हो जाओ। मैंने कहा ना दफा हो जाओ। दोबारा कहोगी जो कहा तुमने? आपकी मां की मदद से निकली हूं। अब मेरी मां का नाम इस्तेमाल मत करना। बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं कर रही, मुझे ये चाबी मां वाहिदी की गली में लटकी हुई मिली। मेरी मां के गले से चाबी मिली? ये किस तरह का घटिया मजाक है? उनका वो सीधा जिस्म अभी तक वही है। बाबा, ये सब क्या है? मैं नहीं जानता। मैं अभी वहां जाकर खुद देखूंगा, और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम अपना अंजाम जानती हो। चाबी दो गाड़ी की। दो।
अम्मी, वजाहत करें क्या मामला है? जहां तक मुझे मालूम है, दादी अपनी बीमारी के बाद लापता हो गई थी। मैंने भी यही सुना था। फिक्रत कराकिया ने माँ वाहिदी के गायब होने पर यह बयान दिया था। तुम्हारे दादा को कमरे से खत मिला जिसमें दर्ज था कि वो यहाँ से इसलिए चली गई कि कोई उनकी मौत का गवाह ना रहे। फिक्रत की साजिश होगी ये। तभी उसके बाद तुम्हारी दादी को किसी ने नहीं देखा ताकि हकीकत कभी सामने ना आए। क्या मतलब? क्या वो खुद वहां गई थी? मालूम नहीं मुझे। दादा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी अम्मी खुद घर छोड़कर गई है। खुशामदीद जाकिर साहब। खुशामदीद भाई। ठीक हो ना? अम्मी,
देखें कितनी रौनक वाली जगह है। हाँ। कहीं रुके? कुछ खाएंगे आप लोग? नहीं। हाँ? रुवेदा? कुछ खाओगे तुम? हिम्मत करो बेटी, गुजर जाएगा ये वक्त। रुक जाते हैं कुछ देर अगर आप लोग कहें तो। हाँ? चले आ जाओ, थोड़ा सुकून का सांस लेते हैं। अम्मी ये मुझे दें। बाग में हम तुम घूमते थे कितना कितना सुहाना मंजर था, मिल ही गई थी जिंदगी, दिल को मेरे मिली थी खुशी। बाग में हम तुम घूमे थे कितना याद आए मुझे सताए मेरे भाई। आ जाए, जरा दूर नहीं, बस थोड़ा सा और। बस ठीक है, आ जाए। ياسين في القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم صدق الله العظيم الفاتحة. الله قبول ومزور فرمائے. آمين. मेरी माँ को, मेरी माँ के पास दिलाता हूँ। बेटा,
क्या इस वक्त बाहर जाना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? इसे मर्दों में नहीं देख सकता मैं। कैसे ले जाओगे? कोई गाड़ी भी नहीं हमारे पास। कुछ भी हो मैं से ले जाऊंगा, किसी भी तरह, ठीक है? किसी इंसान की जान ले लेना इतना भी आसान नहीं होता साकिर। तुम और तुम्हारे बाबा बिला खौफ और खतर बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं। ओ रब्बा कोई राह।